एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे यह शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा, इसलिए वो अपनी मां से चिढ़ता था। उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। उसकी मां ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी मां को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूं। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है, तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है, वह वहां गया तो देखा उसकी मां वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया धंस गई थी और तू अंधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी मां उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। मां बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते।